गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट वीडियो ऑफ चैप्टर टू द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल ऑफ क्लास नाइन सो लेट्स स्टार्ट हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था टास्क तक नेक्स्ट है द ह्यूमन बॉडी एग्जांपल इज कम्पोज ऑफ मोर दैन टू डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो दो हंड्रेड से ज्यादा टाइप के सेल से, से मिलकर बना हुआ है एंड ईच स्पेशाइज फॉर सच डिस्टिंक्टिंग फंक्शन सच एज मेमोरी साइट मोमेंट एंड डाइजेशन और हर एक सेल का कुछ पर्टिकुलर फंक्शन है किसी का काम मेमोरी में है किसी का काम देखने में साइट यानी देखने आइज में मोमेंट यानी चलने फिरने में किसी का काम है डाइजेशन में द डाइवर्सिटी एक्जिबिटेड बाय द सच डिफरेंट काइंड ऑफ सेल इज स्ट्राइकिंग इतना ज़्यादा डाइवर्स, यानी कि इतना ज़्यादा वैरायटी है सेल का कि ये हमें कुछ बताता है फॉर एग्जांपल कंसीडर द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड द सेल ऑफ़ ह्यूमन बीइंग एक बैक्टीरिया के सेल में और एक ह्यूमन ब्रेन uh, के सेल में कितना ज़्यादा डिफरेंस है तो यही ये डाइवर्सिटी बताता है कि इतना ज़्यादा असमानता है दोनों में ऑल सेल्स वेर वेदर दे एग्जिस्ट एज वन सेल ऑर्गेनिज सारे सेल्स चाहे वो एक सेल के बने हुए हैं यूनिसेलर ऑर्गेनिज और एज अ पार्ट ऑफ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज या फिर वो किसी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज का पार्ट है आर कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट सर्टेन बेसिक फंक्शन ये कुछ खास काम करते हैं जैसे न्यूट्रिशन रेस्पायरेशन ग्रोथ रिप्रोडक्शन ये सब पर्टिकुलर काम है इसका दिस इस फंक्शन आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल्स ये सारे फंक्शन किस लिए ज़रूरी है सेल के जिंदा रहने के लिए सब जरूरी है नेक्स्ट है आपका यूनिसेलर और मल्टी सेलर ऑर्गेनिज में डिफरेंस तो यूनिसेलर किसको बोलते हैं यूनि का मतलब होता है सिंगल सेलर मतलब सेल एक सेल से जो मिलके जो ऑर्गेनिज बने होते हैं यानी एक सेल का ऑर्गेनज को यूनिसेलर और मल्टी मतलब एक से ज़्यादा तो वो हो गया मल्टी सेलर यूनिसेलर ऑर्गेनिज इज रिप्रजेंटेड बाई ए सिंगल सेल एज लाइक बैक्टीरिया अमीबा टी मल्टी सेलर मल्टी सेलर ऑर्गेज कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स ये काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ सेल्स से बने होते हैं जैसे ह्यूमन बींग डॉग कैट काउ ए टी सी ऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज आर परफॉर्म बाई ए सिंगल सेल ये एक सेल का बना ही हुआ है तो इसलिए इसमें जितना भी एक्टिविटीज़ होगा वही एक सिंगल सेल परफॉर्म करेगा ये सिंगल सेल परफॉर्म वन और फ्यू एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज इसमें क्या है मल्टी सेलर में एक सिंगल सेल सिर्फ एक या दो तीन काम ही कर सकता है सारा काम नहीं कर सकता जैसे कि डाइजेस्टिव uh, सिस्टम का सेल वो सिर्फ पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा डाइजेशन का उसके अलावा ज़्यादा फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता देर इज़ नो डिविज़न ऑफ लेबर एज अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल लाइफ एक्टिविटी इसमें कोई लेबर का डिवीजन नहीं है यानी कि काम का बंटवारा नहीं है इसमें सारा काम एक ही सेल करेगा ये नहीं कि ये सेल ये काम करेगा और दूसरा सेल दूसरा काम करेगा इसमें क्या है मल्टी सेलर में सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी सो डैट देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल इसमें क्या है? अलग अलग सेल को काम दे दिया गया है उसके शेप के हिसाब से उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको काम दिया गया है सो so, वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है तो यहाँ पे क्या है डिवीज़न ऑफ लेबर है विद इन सेल इसमें क्या है फोर्थ पॉइंट में यूनिसेलर के रिप्रोडक्शन कंज्यूम से सिंगल सेल रिप्रोडक्शन होता है सिर्फ इसमें एक सिंगल सेल ही परफॉर्म होता है क्योंकि ये इसमें एक सेल का ही ये बना हुआ है नेक्स्ट है ओनली सम सेल्स ऑफ द बॉडी कॉल जर्म सेल्स जिसको आपने पहले के क्लास में पढ़ा होगा रिप्रोडक्टिव सेल्स भी बोलते हैं टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन जिसको गैमेट्स भी बोलते हैं यही सिर्फ रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है और नहीं अदर सेल्स जिसको सोमैटिक सेल्स बोलते हैं जैसे हैंड लेग और आपका अदर सेल्स हो गया उसको सोमैटिक सेल्स बोलते हैं रिमेन इंटैक्ट वो इसमें पार्ट नहीं लेता जैसे है वो वैसे ही काम करता है नेक्स्ट है लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल इज शॉर्ट लाइक इसमें जो सिंगल यूनिसेलर ऑर्गेजर है उसका लाइफ स्पैन क्या होता है शॉर्ट होता है यानी छोटा होता है लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल इज लॉन्ग इस मल्टी सेलर का क्या होता है लाइफ स्पैन लॉन्ग होता है यानी काफ़ी लंबे समय तक वो जिंदा रहेगा नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फंडामेंटल लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड इज़ द सेलुलर लेवल सबसे इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल यानी बेसिक लेवल में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस लिविंग वर्ल्ड में यानी कि लिविंग थिंग्स का जो वर्ल्ड है वो है सेलुलर लेवल क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि सेल एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल ही जो काम कर सकता है सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है सेल्स आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज एंड आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सबसे छोटा भी है स्ट्रक्चर के हिसाब से भी और जो सारा फंक्शन परफॉर्म कर सकता है सेल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल्स इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेल बायोलॉजी मतलब इसमें सेल का स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से उसके फंक्शन के हिसाब से उसे ही बोलते हैं सेल बायोलॉजी नेक्स्ट है आपका डिस्कवरी ऑफ सेल्स यानी कि सेल्स की खोज वाइल्ड स्टडी इन थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क कॉर्क किसको बोलते हैं जो तना होता है डेड तना होता है उसको बोलते हैं ट्री का ट्री के ट्रंक का तो रॉबर्ट हुक, साइंटिस्ट का नाम है सो द कॉर्क कोल रिसेम्बल्स एट द स्ट्रक्चर ऑफ हनी कॉम कंसिस्टिंग ऑफ मेनी लिटिल कंपार्टमेंट उन्होंने ये सेल को देखा था जब पहली बार तो उन्होंने उन्हें कैसा दिखा था ये हनी कम जैसा स्ट्रक्चर दिखा था हनी कम जैसा जिसमें बहुत सारे लिटिल कंपार्टमेंट्स बने हुए थे यानी कि छोटा छोटा जगह था कुछ ऐसा ही ये हनी कम जैसा स्ट्रक्चर है उन्हें ऐसा ही नजर आया था कॉर्क इज ए सबस्टांस विच इज ऑप्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ ए ट्री बार्क यानी छाल क्वार्क ये सब्सटेंस है जो कि छाल से मिलता है ये डेड होता है दिस वॉज इन ईयर सिक्सटीन हंड्रेड सिक्सटी फाइव वेन हुक मेड दिस डिस्कवरी थ्रू ए सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप इस सिक्सटीन हंड्रेड सिक्सटी फाइव में हुक ने पहली बार डिस्कवरी किया था सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप उन्होंने खुद बनाया था माइक्रोस्कोप को रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्स सेल्स उन्होंने ये बॉक्सेस हनीकम जैसा स्ट्रक्चर जो देखा था जिसमें कंपार्टमेंट थे उन्होंने इसका नाम क्या दिया सेल्स सेल्स इन लैटिन मीनिंग मींस लैटिन वर्ड है ये और इसका मतलब क्या होता है लिटिल रूम क्योंकि ये लिटिल रूम जैसा लग रहा है रॉबर्ट हुक डिस्कवरी वाज इम्पॉर्टेंट सेल का डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज इट इंडिकेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम डेट द लिविंग ऑर्गेनिज कंसिस्टेड ऑफ ए नंबर ऑफ स्मॉलर स्ट्रक्चर और यूनिट ये बहुत इम्पॉर्टेंट था इन्होंने जो डिस्कवरी किया क्योंकि ये पहली बार था जब किसी ने बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिज भी बहुत छोटे यूनिट से मिल बना हुआ है जिसको क्या बोलते हैं सेल बोलते हैं तो ये आपका यहाँ बॉक्स में दिया हुआ है सेल थ्योरी है और इसको माइक्रोस्कोप के बारे में है ये रॉबर्ट हुक वाला माइक्रोस्कोप है जो उन्होंने खुद से इन्वर्ट किया इन्वेंट किया था और ये डेड कॉर्क सेल है जैसा कि रॉबर्ट हुक ने देखा था तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे फिलहाल के लिए इतना ही तक